दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इंड मनी के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि आप इनसे किसी फ़ोन नंबर पे आप कैसे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनका ऐसा कोई सर्विस ही नहीं है कि आप डायरेक्ट जैसे जियो या एयरटेल से कस्टमर केयर से बात करते हैं, वैसे इनके कस्टमर केयर से आप कॉल पर बात नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो देखना है तभी देखिए ना, तभी स्किप करके चले जाइए, बाद में मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं और या आपने बोला है कि हम डायरेक्ट कॉल बात करके दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, इनका दोस्तों एक जीमेल है, जीमेल से कैसे कांटेक्ट करते हैं वो मैं बताऊंगा, डायरेक्टली कैसे कॉल किया जाता है, ये बिल्कुल फ्रॉड बातें हैं, ये मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं। चलिए आइए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर दोस्तों आपको इंड मनी ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे सर्च करना है इंड मनी कस्टमर केयर नंबर। जैसे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ये आ जाएगी इनकी जो साइट है, तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस आ जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे आप देख लीजिएगा इंडियन स्टॉक है, यूएस स्टॉक है, तो आप जिस स्टॉक की बात करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इंडियन स्टॉक पे ही मैं बात करने वाला हूँ, मतलब मैं इंडिया से हूँ तो इसको सेलेक्ट कर रखा हूँ, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इनका एक जीमेल है, उस जीमेल पे आपको इनको मैसेज करना है जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे साइट है जो इनकी जीमेल दे रखी है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इनका जीमेल यही है, support@indmoney.com फॉर कस्टमर सपोर्ट। सिंपली एक ए वाला इनका ईमेल है और दूसरा ईमेल ए है, तो सिंपली आप इसी ईमेल पे क्लिक कर देंगे तो आप सीधे अपने जीमेल में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड जो भी लिखना है वो लिख करके इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 24-48 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो यही तरीका है दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।